हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बेसन से बड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इसे बनाकर आप लोगों को हम दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बहुत ही झटपट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, तो आप लोग ऐड बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं, तो प्लीज़ नहीं कीजिए। कौन ऐड कब काम आ जाए, तो आप लोग ऐड ज़रूर देखा कीजिए। तो यहाँ पे हम बेसन ले लिए हैं, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जमाइन लिए हैं, लहसुन प्याज का पेस्ट लिए हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स करके आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे हम सारा मसाला ऐड कर लिए हैं, इसे अच्छे से पानी से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे एक चम्मच नमक ऐड किए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ना, बड़ी हमारा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो पानी में डालकर देखे हैं तो ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा बड़ी बहुत ही अच्छा से फेन कर तैयार कर चुके हैं। अगर ये पानी में डूब जाता ना, तो समझ जाते कि ये बड़ी सही नहीं है। अगर ऊपर आ गया, तैरना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि बड़ी जो हमारा अच्छा से फेट कर तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम और अच्छे से फेट लेते हैं। इधर हम ग्रेवी के लिए भी मसाला तैयार कर लिए हैं। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट है, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। तेल गरम हो चुका था, एक एक करके हम सारे बड़ी को डालते जाएंगे, उलट पुलट कर इसे अच्छे से हम पका लेंगे। आप चाहे तो कोई भी साइज बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। हम मीडियम साइज में बनाए हैं, तो देखिए बड़ी कितने अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, जीरा और तेज पत्ता ऐड कर चुके हैं, वो भी चटक चुका है। तो लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद ही कच्चा मसाला ऐड करेंगे, यानी कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो नमक था अब हम ऐड कर लिए हैं। इसे अच्छे से हम भून लेंगे।
मसाला भुना चुका है। अब इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए हम नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे टमाटर डालिएगा तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो पानी हम अपने हिसाब से ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा, रोटी में खाना है या चावल में खाना है। यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड किए हैं, आप चाहे तो मीट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसे रोटी या चावल में भी खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना था बेसन की बड़ी, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।